I just woke up. Babies are also up. Even got companions here. Hello, good morning. और आज मैं ये vlog start कर रही हूँ directly अपने bed से. I just woke up. और babies are also up. Let me show you all. Flurry, good morning. वहाँ पे है Kiara. कियारा का एनर्जी सुबह यहाँ पे होता है, उसको इसलिए हम थोड़ी सी छोड़ देते हैं कि वो अपना एनर्जी बर्स्ट कर ले, क्योंकि पूरी रात सोने के बाद जब उठती है तो बहुत सारा एनर्जी लेके उठती है और सबको परेशान करती है. कभी कभी हम उसको अभी इस बेड पे लाते हैं, बट वो तब जब उसके ये जो इनिशियल एकदम सुप्रीम वाला एनर्जी है वो ख़त्म हो जाए उसके बाद इस बेड पर कभी कभी हम उसको सुबह उठाते हैं. तो अभी खेल रही है, इधर खेल रही है, बाहर खेल रही है. और जनरली मैं जब व्लॉग करती हूँ सुबह से वो तब करती हूँ कि सब ऑफिस चले जाते हैं, फिर थोड़ा मेरा दिन आराम से जाता है. बट आज मैं सुबह से आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि सब बाहर जाने से पहले क्या रूटीन होता है. एक्चुअली सबसे ज़्यादा काम मेरा तभी होता है सुबह, कैसे मैं सब कुछ अरेंज करती हूँ, इन दोनों का खाना, इन दोनों का. एक्चुअली दीपांजन भी हेल्प करता है, मैं अकेले सब कुछ नहीं करती हूँ. तो ये मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ. सो स्टे ट्यून्ड एंड एन्जॉय दिस व्लॉग. शो मी, show me, sit down. This is what is found inside Kiara's mouth, and here is Kiara. This morning is really comfortable. बहुत अच्छी हवा चल रही है. Generally हम रात को एसी चला के सोते हैं, सुबह जब बाहर आते हैं बहुत गर्मी लगती है, but आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. मुझे लग रहा है घर से ज़्यादा बाहर ठंड है, अच्छा लग रहा है आज का वेदर, इसलिए कियारा भी बाहर घूम रही है ज़्यादा. नो कियारा, गुड मॉर्निंग कर दो. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. अब ढूंढ रही है, ले लिया मैंने, फेंक दिया. मैं आ गई हूँ किचन में और सुबह सुबह जो सबसे पहला काम है वो है, अगर आज फिश और चिकन बनता है तो सबसे पहले उसको डिफ्रॉस्ट करने के लिए निकाल देना. बहुत सारा बर्तन पड़ा है जिसको ठीक करना है खाना बनाने से, जो खाना बनाने के लिए जो आएंगे वो आने से पहले, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो. Bloody Tina. सुबह के काम ऑलमोस्ट 80% कंप्लीट हो गया है. ये कल का सब्जी बना था, पम्पकिन एंड आलू का, जो आज खाएंगे. बट ये इसको थोड़ा सा और प्रोसेसिंग की ज़रूरत है, थोड़ा सा नमक शुगर, और इसको और थोड़ा सा पकाना पड़ेगा, नहीं तो पम्पकिन ऐसे लग रहा है कि मेरे तरफ देख रहे हैं सब्जी से,
तो वो थोड़ा मैंने बिठा दिया इसलिए। ब्रेकफास्ट में ये पम्पकिन के सब्जी के साथ वील हैव लूची एंड थोड़ा सा बैगन भाजा करवा लूँगी, ब्रिंजल फ्राई इसका सामान है। ये बनेगा आज टॉक दाल विथ रॉ मैंगो से मसूर दाल एंड और बनेगा फिश जो यहाँ पर डिफ्रॉस्ट हो रहे हैं, फिश बनेगा आलू से। जो भी है सब कुछ सेटल्ड है, एक भी चीज़ इधर उधर हो जाता है तो बाद में देखते हो कि खाना में कुछ ये नहीं दिया है वो नहीं दिया है, तो इसलिए सब बाहर निकाल के रख दो तो शांति, उनको भी पता रहता है कि इसमें ये डालना है और उसमें वो। यहाँ पे भी सब क्लीन हो गया है बर्तन का, बस अब मेरी शांति। और दोनों ने खाना भी खा लिया है, फ्लरी एंड कियारा ने, जैसे कि आपने देखा। और अभी हम थोड़े से आराम से बैठ के चाय वाय पियेंगे, और आजकल कियारा हमारे साथ बिस्किट खाती है जब हम चाय पीते हैं। हैं क्यों 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 व्हाट इज दिस क्यों बाबा। चालू सुबह सुबह चालू आज का यामी ब्रेकफास्ट, पम्पकिन आलू एंड काला चना, इसको हम बोलते हैं कुमरो छक्का, इसके सब्जी लूची एंड बैगन भाजा ब्रिंजल फ्राई। प्यारी, तो डैडी ऑफिस जाने से पहले प्यार एकदम भर भर के मिल गया दोनों को, कदल कदल। एंड ये है कियारा जो मतलब ऐसे जब करती है तो मुझे बिल्कुल छोटी फ्लरी लगती है, सबको फॉलो करती है। यहाँ पे दीपांजन रेडी होगा तो उसको फॉलो करिए। कियारा तो अभी वो जैसे फ्लरी की पहले किसेस लेती थी ना कि मुंह लगा के और कल रात से मैंने उसको वो सिखाया। हाँ, तो वो अभी अपना मुंह जब लाती है तो एकदम मैंने फोटो पे पूरा घिस देती है ताकि मैं उसको और भी ज्यादा किस करूं। तो वो सीख गई है, वो फ्लरी भी ऐसे करती है ना कि हाँ। कुछ दिखेगा ही नहीं वो अभी प्यार अभी थोड़ा प्यार का मतलब समझ रही है कि हमेशा कूदना और काटने में मजा आएगी। काटती नहीं है अभी, बहुत कम हो गया काटना। हाँ कियारा बिकमिंग अ गुड गर्ल। शुरू फ्लरी तो मेरे यहाँ पे इतने खरोच आ गए थे ना उसके काटने से। फ्लरी शेक हैंड, मामा शेक हैंड, मामा शेक हैंड, ये गुड गर्ल, हाई फाइव कियारा, हाई फाइव क्यों, हाई फाइव कियारा, ये मामा हाई फाइव, गुड गर्ल कियारा, हाई फाइव फ्लरी, हाई फाइव। चलो डैडी के बाय बाय कर दो, चलो डैडी के बाय बाय कर दो।
Welcome to my washroom. No, you guys are not here because I want to show you guys how fancy my washroom looks. But definitely to tell you that when you are a parent of Shih Tzus, you can't be alone and you can't expect your privacy. Washroom is the place where all of us, we want some privacy and we are supposed to be alone. But let me show you all. I have even got companions here. I have got these two lovely companions to give me company all throughout the time. I'll take shower. Hey Kiara, though Kiara is feeling very sleepy, Flurry too is feeling sleepy, but they have to be with mama. Who knows, if mama runs away from this window, then they can't take any risk. Okay guys, so I can keep them inside but not you guys while taking shower. So let me take shower and see you all again. Shower and I'll do some skincare now. I have not changed any skincare product or routine of mine, but my skin has started breaking out again. Here, I have got few zits. Ye hamesha summer mein hota hai mere saath. The moment I start eating mangoes, I start getting these zits on my body and face, which are really painful. But main mangoes khana band nahi kar sakti. Yehi to 2 mahina hai jab milta hai. But anyways, in case you guys know any good medications or ointment which can be bought without prescriptions and are available easily, kindly put that name or the link which helps the zits to get smaller quickly and to get rid of the pain quickly. Agar pata hai to please batana. Mere paas aisa kuch nahi hai. So currently jo main karti hu, main thoda aloe vera gel laga deti hu इसके ऊपर. एलो वेरा जेल इज़ नॉट हेल्पिंग दिस जिट्स. प्लीज़ काइंडली मुझे बताना अगर आपको कुछ अच्छा ऑइंटमेंट पता है विच हेल्प्स टू गेट रीड ऑफ दिस जिट्स क्विकली, क्योंकि ये बहुत पेनफुल है, बहुत ज़्यादा. और आज मैं करूँगी बहुत ही सिंपल लंच, जस्ट राइस एंड दाल. ये बहुत यामी बनता है ये दाल. दिस इज विथ रॉ मैंगो. और सुबह के ये दो रह गया था एक्स्ट्रा, मैं फेंकूंगी नहीं. आई विल नॉट वेस्ट इट, तो आई ईट इट नाउ. गॉट दिस हंग्री फेसेस वेटिंग आउटसाइड आवर किचन. बहुत भूख लग गया है दोनों को. हाँ कियारा मिलेगा. तो ये है इनके सेकेंड मील ऑफ द डे. कम कियारा, आ जाओ. तो मैं पहले कियारा को सेटल एंड बिजी कर देती हूँ, उसके बाद फ्लरी को देती हूँ ताकि वो फ्लरी को डिस्टर्ब ना करे. आजा. सो दिस इज़ वेयर आई टेक कियारा इन एवरी 2 आवर्स. मेरे चैनल पे कंप्लीट वीडियो है अबाउट फ्लरी, कि हमने कैसे फ्लरी को ट्रेन किया था. द सेम वे वी आर ट्रेनिंग कियारा टू पी इनसाइड द हाउस, बिकॉज प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस टू टेक देम आउट फॉर 4 to 5 times फॉर पी एंड पूप. They go out for walk, that's once a day and that too during summer really late in the night. अगर किसी भी दिन miss हो जाए या हम नहीं जा पाते हैं, बारिश होती है, so they have no problem because they are trained to pee inside. Kiara's training is still on progress, क्योंकि Kiara को अभी भी थोड़ी सी time लगेगा, वो बहुत ही छोटी है. These are the pee pads which I keep in the balcony, especially after a good play or their food. If they, I see Kiara drinking a lot of water, so immediately I take them on the pad. और उसको छोड़ के भी every 2 hours के interval में मैं उसको लेके जाती हूँ. Now out of 10, I think 7 to 8 times she goes and pees in the designated place. Rest of the time 2-3 times the accident happens, and that's okay, that is manageable. So this is the baby's resting time. एंड मैं धीरे बात कर रही हूँ क्योंकि बोथ ऑफ देम आर फॉलन अस्लीप. दिस इज ऑल्सो माई टाइम टू डू द थिंग्स ऑफ माई चॉइस. ईदर आई एडिट माई वीडियोज और आई वॉच समथिंग ऑन माई लैपटॉप और आई रीड बुक्स एंड ऑल्सो द डेज वेन आई फील लाइक टेकिंग अ पावर नैप आई डू दैट टू. सो ये था हमारा मॉर्निंग रूटीन.
ऐसे ही चलता है ऑलमोस्ट एवरी डे, थोड़ी सी प्लस माइनस तो होता है. एंड आई एंड दिस व्लॉग हियर. आई होप दैट यू गाइज एंजॉयड वॉचिंग आवर मॉर्निंग रूटीन व्लॉग. In case you have hit the like button, please let us know your feedback in the comment section. Share your views and be in touch. Follow us on our Facebook and Insta. I will see you all really, really soon in my next vlog. Till then, stay happy, take care. Bye.